कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओ। अब ये एक संदेश आता है चित्तौड़ के किले में, तो पूरे किले में बड़ी अफरा तफरी मच जाती है कि महाराणा पहले ही नहीं है और अब ये नया हमारे पर क्या आ गया। तो यह दारुण संवाद लहर सा तोड़ गया रणभर में, यह बिजली की तरक्षित से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिससे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। यह लोकश्रुति है कि महारानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपनी अंगरक्षिकाओं को लेकर, कोई विश्वस्त साथियों को लेकर जंगल जंगल गई और एक जगह पर उन्होंने एक पेड़ के नीचे सेनापति गोरा तलवार लिए मिल गए। तो वहां उनसे उन्होंने बात की, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू। अभ्यंग में कहता है, कष्ट में है, दुख में है, पूरी परंपरा, पूरा वंश उसने सेवा में लगाया मेवाड़ राजवंश के, और वहां से अपमानित होकर लौटा है तो कष्ट में है। तो सेनापति कहता है कि बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हटके से पहचानू। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की यान मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। अब पद्मिनी महारानी, पद्मिनी मेवाड़ राजवंश की आभा, मेवाड़ राजवंश की ज्योति, वो सेनापति को प्रणाम कर रही है चरणों में झुक के। ये क्या दृश्य है, है ये क्या करती हो गोरा, पीछे हट, बोला। और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। इन शब्दों से सम्मानित कर रहा है महारानी को। वो उस समय कैसी स्थिति रही होगी महारानी की, के पति कैद में है, जहां जंगल में हूं, लेकिन वो उनको बता रहा है कि आप कौन हो। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के शकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। एक युवा तेजस्वी योद्धा और मातृवत मां पद्मिनी ने जब उसे विदा किया होगा, दृश्य देखिए, और 700 सैनिक जो यम से भी बढ़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले, पांचों ही अपने आप में अद्भुत थे। बजा कूच शंख, सैनिकों ने जयकारी लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर फिर जी भर कर देखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम, घोड़ों पर चढ़े सुभग अभिमानी, उन्हें पता है कि वो जहां जा रहे हैं वहां से जीवित वापस आना बहुत मुश्किल है। कर अंतिम प्रणाम, घोड़ों पर चढ़े सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी।
जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंचे डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो।